में क्या है, ये बेल्स पॉलिसी का केस है और बेल्स पॉलिसी को हम आम भाषा में फिशर पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें कि हमें जिस साइड इफेक्टेड साइड में सर्कुलर मसाज करना है, तो जिस प्रकार से ये थेरेपिस्ट जो है मसाज कर रही हैं, इसके जो बच्चा है इसके राइट साइड में बेल्स पॉलिसी हुआ है, मसल्स लूज़ हो गई हैं, कंट्रोल नहीं है। मसाज के साथ साथ इसमें हम जो है एक्सरसाइज भी कराते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं। तो ये फिश जो सर्कुलर मसाज है ये हो रही है इसको, बच्चे को देखिए कर रही है गोल गोल तरीके से, और फिर एक छोटे वाइब्रेटर से स्टिमुलेट करेंगी। तो अब ये स्टिमुलेट करेंगी, जैसे उन्होंने मसाज कर ली है, ये वाइब्रेटर रखा हुआ है हाथ में, इससे इसकी इफेक्टेड मसल्स को स्टिमुलेट करेंगी, जिससे कि मसल्स एक्टिव हो जाएंगी और एक्टिव होकर धीरे धीरे इस बच्चे की जो राइट साइड की मसल्स हैं चिक की, फेस की, वो काम करेंगी। अभी नर्व सप्लाई इफेक्टेड है इसमें और ये ओबेसिटी के कारण ही समस्या हुई है। तो ये एक्सरसाइज, ये वाइब्रेट इसके फेस पे भी करना है, माथे फोरहेड पे भी करना है, माथे पर आँख के ऊपर होगा, आँख के ऊपर की तरफ करेंगे, यहाँ पे माथे के पास इधर, हाँ वेरी गुड, और नीचे करेंगे, ये जो नीचे ठोड़ी है इस एरिया से भी करना है, पूरा जो साइड होता है अफेक्टेड होता है। तो हम देखेंगे इस बालक की जो है राइट साइड जो है उसमें प्रभाव नहीं है, राइट में अफेक्टेड है, लेफ्ट में नहीं है। अब इस बालक से हम बोलेंगे कि मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, आ राइट लेफ्ट करो, राइट लेफ्ट, तो राइट साइड मूवमेंट कम आ रहा है पर पहले से इम्प्रूव है। चलाओ, हिलाओ दाएं बाएं, नकल्स हिलाओ, अपने नकल्स हिलाओ, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, अब ब्लो करो, हवा छोड़ो, आ बोलो आ। तो इस प्रकार एक्सरसाइज से बच्चे को फायदा होगा।